आईपीएल 2020 में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए और तोड़े जा सकते हैं, इसलिए एक से एक बढ़कर खतरनाक बल्लेबाज आईपीएल से निकलता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे आईपीएल 2020 के सभी 8 टीमों के संभावित सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के बारे में, जो तोड़ सकते हैं पिछले सभी रिकॉर्ड। आंद्रे रसेल, कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसेल आईपीएल 2020 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज नंबर एक के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। जबकि आंद्रे रसेल के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 64 मैचों में लगभग 186 के स्ट्राइक रेट से 1400 रन बनाए हैं। रसेल ने आईपीएल 2019 में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 56 की औसत से 510 रन बनाए थे और अपनी गेंदबाजी से उन्होंने पूरे सीजन में 11 विकेट भी लिए थे। वो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ बड़े शॉट लगा सकते हैं। ये खिलाड़ी आईपीएल 2020 में तहलका मचा सकता है। हार्दिक पांड्या के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 66 मैचों में लगभग 154 के स्ट्राइक रेट से 1068 रन बनाए हैं। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या आईपीएल 2020 के दूसरे सबसे खतरनाक बल्लेबाज नंबर दो के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। सुरेश रैना के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 193 मैच में लगभग 137 की स्ट्राइक रेट से 5368 रन बनाए हैं। चेन्नई सुपर किंग के सुरेश रैना आईपीएल 2020 के तीसरे सबसे खतरनाक बल्लेबाज तीन नंबर के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। ऋषभ पंत, दिल्ली के ऋषभ पंत आईपीएल 2020 के चौथे सबसे खतरनाक बल्लेबाज नंबर चार के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। जबकि ऋषभ पंत के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 54 मैचों में लगभग 162 के स्ट्राइक रेट से 1736 रन बनाए हैं। एबी डिविलियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के एबी डिविलियर्स आईपीएल 2020 के पांचवे सबसे खतरनाक बल्लेबाज नंबर पाँच के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। जबकि एबी डिविलियर्स के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 154 मैचों में लगभग 151 की स्ट्राइक रेट से 4395 रन बनाए हैं। क्रिस गेल, अगर क्रिस गेल के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 125 मैचों में लगभग 151 की स्ट्राइक रेट से 4484 रन बनाए हैं। जबकि किंग्स इलेवन पंजाब के क्रिस गेल आईपीएल 2020 के छठे सबसे खतरनाक बल्लेबाज नंबर छः के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। जोस बटलर के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 45 मैचों में लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से 1386 रन बनाए हैं। राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर आईपीएल 2020 के सातवें सबसे खतरनाक बल्लेबाज नंबर सात के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। डेविड वॉर्नर के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 126 मैचों में लगभग 142 की स्ट्राइक रेट से 4706 रन बनाए हैं। जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वॉर्नर आईपीएल 2020 के आठवें सबसे खतरनाक बल्लेबाज नंबर आठ के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। आपके मुताबिक आईपीएल 2020 में इन सभी आठों खिलाड़ियों में से कौन सबसे खतरनाक साबित हो सकता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ज्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।